हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फ्रेंड गुरुजी चैनल में। जैसा आपकी हैवी डिमांड थी कि मैं अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूं, तो फाइनली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए अपस्टॉक के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यहां पर सारी डिटेल आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक बच्चा भी ये वीडियो देखने के बाद अपस्टॉक के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर लेगा। गाइस, यहां पर स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम लेना चाहूंगा जिसकी रिक्वायरमेंट इस डीमैट अकाउंट ओपनिंग में आपको पड़ने वाली है। सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड को आपने अपने स्मार्टफोन से अच्छे से फोटो लेना है, और वहां पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, फोटो को एडिट कर लेते हैं। उस टाइप के किसी सॉफ्टवेयर से किनारा उसका किनारे किनारे जो है बॉर्डर पूरे जो है कट कर लीजिए। नहीं कर सकते तो जूम करके भी फोटो ले लीजिए। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि वेस्टेज एरिया जो है फोटो में नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ठीक लगता है, उनको भी अच्छे से पढ़ने में आता है। आधार कार्ड भी ऐसे करना है, पैन कार्ड भी ऐसे करना है। कैंसिल चेक है तो आपने उस पर कैंसिल लिख करके और सारी चीज़ें करके और इस तरह से फोटो लेना है। अगर कैंसिल चेक नहीं लगाना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो तीन डॉक्यूमेंट्स आपके ये हो गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक ये कह लीजिए फोटो देनी पड़ेगी आपको अपनी पासपोर्ट साइज। तो आप अपने स्मार्टफोन से भी अपने फेस को अच्छे से एडजस्ट करके कॉर्नर को फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने कुछ मेन मेन डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर एक सिग्नेचर आपके व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर चाहिए होगा, सिग्नेचर करके आपको उसकी भी फोटो लेनी है। तो कुछ इतनी चीजें आपको पहले से ही रेडी रखनी चाहिए डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले। तो अभी गाइस आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, और यहां पर जो भी मैं करूंगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करना बहुत आसान है। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि डीमैट अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है अपस्टॉक में, आप वो भी अपने मोबाइल से। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, उनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा। तो आपने क्या करना, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने यहां पर अपस्टॉक की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहां पर आपको क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज पूछी जा रही है, ईमेल एड्रेस एंड योर क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहां पर अपना ईमेल एड्रेस देना है, क्रिएट योर पासवर्ड मतलब एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है, और यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है गाइस, तो इतनी चीजें यहां पर एंटर करना। चलिए मैं अपना करता हूं, आप अपना करिएगा। तो गाइस यहां पर अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आपने अभी नया बनाया है, और जो अपना मोबाइल नंबर है वो डालने के बाद सिंपली आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको प्रोसेसिंग लिखकर आएगा। प्रोसेसिंग लिखकर के आपको विंडो को जरा सा भी नहीं छेड़ना है, मतलब मोबाइल में बैक बटन या और कोई बटन आपने टच नहीं करना है। सेव करना चाहते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड तो वो आप कर सकते हैं, मेरा ये खुद का स्मार्टफोन है तो मैं सेव कर लेता हूं। उसके बाद देखिए यहां पर क्या डिटेल आपसे पूछी जा रही है, आपसे आपका पैन नंबर पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना कर लीजिएगा। तो यहां पर मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूं। पैन नंबर डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपके पैन कार्ड में भी होना चाहिए, आधार कार्ड में भी होना चाहिए, तभी ये ठीक से वेरीफाई होगा, वरना आपका रिजेक्ट भी हो सकता हो। हो सकता हो कि आपसे यहाँ पर फीस भी चार्ज हो जाए, आपका रिजेक्ट भी हो जाए। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कस्टमर केयर का नंबर भी नीचे छोड़ूंगा, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करोगे दोबारा से आपका वो आगे प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले साल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पैन नंबर मैंने ऊपर डाला है, नीचे डेट ऑफ बर्थ डाला है जो आपके पैन नंबर में मेंशन होगा। सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते आप यहां पे देख सकते हैं आपका नाम जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि आपके पैन नंबर से पूरी डिटेल जो है वो फेच हो जाती है। तो यहां पर नाम जो है वो डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर जेंडर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो फीमेल कर देते हैं। आप जो है अगर मेल है तो मेल करिए, फीमेल है तो फीमेल करिए, कॉमन सी बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो है मैरिज स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप मैरिड कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहां पर आपसे आपकी इनकम पूछी जा रही है, तो आप जो है अगर स्टूडेंट वगैरह हैं, आप बिलो 1 लाख हैं यानी कि पॉकेट मनी के ऊपर चल रहे हैं, तो फिर आप 1 लाख कर लीजिए। अगर आप कुछ अर्निंग करते हैं तो 1 to 5 कर लीजिए, तो यहां पर मैं 1 to 5 सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो इसमें आप 1 year 2 year जितना आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो यहां पर आप डाल सकते हैं। तो मैंने लेस देन 1 year किया है, क्योंकि जिसका मैं डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा हूं उसको जरा सा भी ट्रेडिंग नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज्ड, मतलब कि आप जो है पॉलिटिशियन से रिलेशन रखने वाले या फिर खुद पॉलिटिशियन हैं, तो यहां पर आपने यस करना है वरना नो करना है। इसको आपने नो ही करना है, क्योंकि 99% लोग जो है वो नहीं होते हैं, तो नो करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो आप जो है क्या काम करते हैं वो आपने यहां पर डालना है। तो गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सेक्टर क्या है वो आपने डालना है।
ऑक्यूपेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस अदर देन इंडिया, तो आपने नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स पेयर डिक्लेरेशन, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद आपने क्या करना है एक्सेप्ट द एवर डिक्लेरेशन, तो आपने इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगाने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किन किन सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं। यहां पर अपना सेगमेंट चुन लीजिए, तो इक्विटी एफ एंडो करेंसी कौन कौन से आप चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं तो इस टिक मार्क को रहने दीजिए, नहीं करते तो इसको हटा भी सकते हैं, वो मर्जी आपकी है, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद गाइज आप यहां पर देख सकते हैं मैं इक्विटी एंड एफ एंडो एंड करेंसी भी रखूंगा, तो यहां पर मैं जो है कमोडिटी नहीं लूंगा क्योंकि मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता हूं, और जिसका मैं डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा हूं वो भी कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता है। सेगमेंट चुनने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा चूज योर लिवरेज। यहां पर जो लिवरेज है उसके लिए प्लान आपको देखने के लिए मिलेंगे दो टाइप के, एक मिलेगा 20 रुपए पर ट्रेड, एक मिलेगा 30 रुपए पर ट्रेड। जो 20 रुपए वाला है उसके अंदर डिफरेंस ये है कि आपको केवल 20 गुना जो है लिवरेज देखने के लिए मिलेगी, मतलब कि आप जो है 20 गुना तक लिवरेज ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और यहां पर 5 डेज का होल्ड भी मिलता है, यहां ये बात भी मैं साथ साथ बताना चाहता हूं, अगर आपके पास 1 लाख है आप यहां पर 20 लाख 25 लाख जो भी उठाते हैं उस पर 5 डेज का होल्ड मिल जाता है, खुदा ना खास्ता गलती से कुछ बात हो जाए तो 5 डेज तक आप उसको डिलीवरी पर रख सकते हैं। जी हाँ, ये फीचर है अब स्टॉक के अंदर। उसके बाद यहां पर आप चुन लीजिए आपको 30 वाला लेना है या फिर आपने 20 वाला लेना है, तो हम क्या करेंगे 20 वाला लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद देख लेते हैं क्या ऑप्शन आता है, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपली आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा, कांग्रेचुलेशन ममता क्लेम योर सरप्राइज फ्री स्टॉक नाउ। तो यहां पर जो है जो भी आपका डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस है वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फ्री है, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। यहां पर आपने क्या करना है यस कर देना है, यस करते ही यहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, री इंटर और सेविंग करके आपने जो है सेव करना है, ठीक है गाइस। तो यहां पर सबसे पहले IFSC कोड डालेंगे, तो IFSC कोड जो है आप अपने चेक के ऊपर से देख करके डाल लीजिएगा। IFSC कोड इंटर करने के बाद नीचे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो बैंक अकाउंट आप अपने अपस्टॉक अकाउंट के साथ में लिंक करने वाले हैं, जिससे आप पैसे चढ़ाएंगे, जिसमें आप पैसे प्राप्त करेंगे, इन इन कामों के लिए जो बैंक अकाउंट आप यूज करेंगे वही वाला आपने यहां पर भी एंटर करना है, ठीक है गाइज। तो यहां पर अभी हम अपना बैंक अकाउंट एंटर कर देते हैं। बैंक अकाउंट डालने के बाद यहां पर स्टार स्टार बन जाएगा, उसके बाद आपको नीचे फिर से कंफर्म करने के लिए बोलेगा, ये वाला स्टार नहीं बनेगा। तो चलिए यहां पर दोबारा से अपना बैंक अकाउंट डाल लेते हैं। दो बार यहां पर बैंक अकाउंट डालने के बाद नीचे आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, तो सेविंग ज्यादातर लोगों का सेविंग होता है, तो सेविंग और करंट का भी ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर अपलोड करना है एक स्कैन कॉपी। स्कैन कॉपी किस चीज की होगी, जो आपका स्टेटमेंट होगा, जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होगा वो, नहीं तो कैंसिल चेक आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपने स्मार्टफोन में पहले से ही कैंसिल चेक बना करके यहां पर उसकी फोटो लेकर के अपने स्मार्टफोन में रख ली थी, ये काम आपको भी पहले ही करना चाहिए। चलिए यहां पर क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो फाइल्स वाला ऑप्शन है उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारी फोटोग्राफ्स है वो यहां पर दिखाई दे जाएगी। देखिए यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपना चेक जो है वो सेलेक्ट कर दिया है, यहां पर अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा ये जो आपको यहां पर बफरिंग दिख रही है खत्म हो जाएगी। अपलोड में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आजकल स्मार्टफोन से भी 4-5 MB की जो फाइल है वो बन जाती है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन योर एरिया नेटवर्क। तो आप यहां पर देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेटेड लिखकर आ गया है। री अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है या फिर से देख लेता हूं डाउट लग रहा है तो आप री अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इनको ठीक ठाक कर लेने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, नेक्स्ट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लीजिए। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डिसमैच हो गया है, हमको बैंक अकाउंट जो है दोबारा से डालना पड़ेगा, कहीं पर हमने कोई लेटर जो है वो मिस्टेक कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट जो है वो ठीक से डाल दिया है। डालने के बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा, जहां पर आपसे आपका साइन पेपर, जो आपने साइन पेपर करके यहां पर फोटो खींच करके रखा अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने लैपटॉप में, तो उसको भी अपलोड करने का टाइम आ चुका है। क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहां पर दोबारा फाइल के अंदर जाइए। फाइल के अंदर आप जाके देख सकते हैं यहां पर साइन नाम का एक फाइल मैंने फोटो जो है वो बना के रखा हुआ पहले से, जिसको यहां पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हमने अपलोड करना है।
उसके नीचे आप देख सकते हैं इनकम प्रूफ पूछा जा रहा है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर अपलोड इनकम प्रूफ इफ़ यू वांट टू एफएनडो एंड एमसीएक्स ट्रेडिंग, अगर आप ये एफएनडो एंड एमसीएक्स ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो ही इसको अपलोड करिए, वरना इसको स्किप भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक टू अपलोड के जस्ट बगल में लिखा हुआ है अपलोड इनकम प्रूफ इफ़ यू वांट टू एफएनओ एंड एमसीएक्स ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ यू जस्ट वांट टू बाय एंड सेल इक्विटी स्टॉक। तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि अगर आप जो है एफएनओ एंड एमसीएक्स में ट्रेडिंग करना चाहते तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, बैंक प्रूफ जो है आपकी अपलोड करिए, आईटीआर फॉर्म वगैरह, वरना यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपली क्या करिए, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी आधार की डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी, और इसको जो है आपने क्या करना है, मैन्युअली जो है वो फिल कर लेना है। उसके बाद आपसे आपके आधार डिटेल जो है वो पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपने आधार डिटेल में जो भी आपका एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है, वो वाली सारी डिटेल जो है इसके अंदर फिल करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने जो आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हाउस नंबर डाल दीजिए, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर। तो यहाँ पर अपनी आधार डिटेल कंप्लीट फिल कर लेने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आधार कार्ड की जो आपने फोटो खींच के रखी है उसको अपलोड करना है। ठीक है गाइस, तो क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, दोबारा से फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर चुनना है, जो आधार कार्ड हमने फोटो खींच के रखी है उसको ऐड करना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आधार का फ्रंट एंड बैक दोनों की फोटो आपने लेनी है और जो बेकार एरिया उसको अच्छे से काट लीजिएगा अपने मोबाइल में एप्लीकेशन से या फिर अपने लैपटॉप से, और उसके बाद आप अपलोड करिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं अपलोड होने के बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आधार का जो बैक साइड वाला है जिस पे एड्रेस होता है उसका भी ऑप्शन यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, दोबारा फाइल में जाइए और जो आधार का बैक साइड का था जिस पे एड्रेस होता है वो वाला भी आप यहां पर आपने अपलोड करना है। तो हमारे आधार का फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड हो चुका है। ये सारी डिटेल ठीक ठाक भरने के बाद, आधार का फ्रंट एंड बैक अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। बहुत आसान है, सारी चीजों को फॉलो करते जाइए, आप 2 मिनट में अकाउंट अपना ओपन कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर अपना पैन कार्ड अपलोड करना है जिसकी फोटो आपने खींच के रखी हुई है। ठीक है गाइस, तो यहां पर आप क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करिए, उसके बाद आपने क्या करना, अपना पैन कार्ड जो आपने खींचा हुआ है उसको आपने सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। ठीक है गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं पैन कार्ड और उसके नीचे जो है आपकी फोटो है, जो आपने पासपोर्ट साइज अपने फोन से खींची है या फिर आपने कहीं से भी पासपोर्ट साइज अपनी खुद की फोटो आपने अपने फोन के अंदर रखनी है सेव करके, ताकि उसको जो है आप अपलोड कर सके, डिजिटली भी ले सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन से भी ले सकते हैं, थोड़ा चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए, दैट्स इनफ। तो आप देख सकते हैं हमारा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है, नीचे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है फोटो का, जो हमने फोटो खींच के रखा है वो भी यहीं पर है, चलिए इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों की जो कॉपी है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी थी, यहां पर हमारा फोटो भी अपलोड हो गया है। नेक्स्ट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहां पर एक छोटा सा रेफरल है, अगर आप हर एक रेफरल पे 300 रुपीज कमाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड बोलता है मुझे भी डीमैट अकाउंट खोलना है, अगर आपने उसको लिंक भेज दिया, तो आपका क्या होगा, 300 रुपीज जो है एवरी रेफरल जो है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आप जो है रेफर नाउ के ऊपर क्लिक करिए, रेफर नाउ के ऊपर क्लिक करते ही आपका यहां पर रेफरल कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। और रेफरल कोड जनरेट करने के बाद आप जो है किसी को भी बहुत ही आसानी से यहां पर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं रेफर एंड विन ए आईफोन, तो यहां पर 300 रुपीज पर रेफरल भी आपको मिलेगा, आईफोन भी आप यहां पर जीत सकते हैं, और योर नंबर की पूरी डिटेल आपको यहां पर फिल करके सबमिट कर देनी है। तो जैसे गाइस आप पूरी डिटेल भर करके सबमिट करेंगे तो आपका रेफरल कोड जो है जिसको आपने ईमेल किया उसको सेंड हो जाएगा और वहां पर वो डीमैट अकाउंट ओपन करेगा, आपको 300 रुपीज मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको डीमैट अकाउंट ओपन करना था जिनको आपने भेजा है, और आपको कंपनी ने 300 रुपीज दे दिया क्योंकि आपने फ्री में प्रचार किया है। तो यहां पर कोई भी गलत नहीं है, तीनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ई साइन इफ मोबाइल एंड आधार आर लिंक्ड, मतलब कि ये है यहां पर ई साइन हो जाएगा अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, आई विल कुरियर द फॉर्म। तो यहां पर आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर करके सेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जो है ई साइन वाला दिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होता है। अगर नहीं है तो आधार सेंटर में जाकर के 2 मिनट में लिंक करवा लीजिए, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करिए, आप इस डाउनलोड करो, सिग्नेचर करो, फॉर्म भरो और पूरा लपेट करके उनको एड्रेस पे कुरियर करो, उस झंझट से
बच जाएंगे। ठीक है गाइज, तो यहां पर आपने क्या करना है, ई साइन विद आधार ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल कर आएगा। देखिए स्टेप्स टू गो द आधार वर्चुअल आईडी, तो आपने क्या करना है, यहां पर ई साइन नीचे एक छोटा सा बन के आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए यहां पे प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स फॉर साइनिंग, तो ये इस तरह से बन के आ जाएगा। अभी यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो आधार है आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड करेगा, वो उस ओटीपी को यहां पर वेरीफाई करके और आप जो है अपनी सी केवाईसी कर सकते हैं, आपके डीमैट अकाउंट से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं यहीं बैठे बैठे। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल कर आएगा, सिक्योरिटी कोड सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया है ना उसके ऊपर एक सिक्योरिटी कोड आएगा, उस सिक्योरिटी कोड को यहां पर आपने एंटर करना है। तो मेरा जो सिक्योरिटी कोड है वो मेरे स्मार्टफोन पर रिसीव हो चुका है, टोन आपने सुना था, तो चलिए इसको फटाफट क्या करना है, यहां पर एंटर कर देना है। तो मेरा कोड जो है वो मुझे मिल चुका है। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद यहां पर सबमिट बटन के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है और फिर दोबारा से कुछ नहीं छेड़ना है, ये अपने आप प्रोसेस करेगा। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करेगा, जहां पर आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे कि साइन नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जैसे अगला जो विंडो आएगा उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। साइन नाउ के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने NSDL की वेबसाइट जो है वो कंप्लीटली लोड हो जाएगी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, बहुत ईजी है, सिंपली अपना आधार नंबर यहां पर आप एंटर कर लीजिए। तो गाइस अपना आधार कार्ड ठीक ठाक यहां पर एंटर करने के बाद यहां पर नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, उसको आपने टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगाने के बाद यहां पर आपको पूरी डिटेल जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को यहां पर एंटर करना है आपने, जो ओटीपी के लिए आपको यहां पर जगह जो है वो मिल चुकी है, आप यहां पर देख सकते हैं। ओटीपी ठीक ठाक एंटर कर लेने के बाद नीचे आपको सबमिट बटन देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने साइन सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा, लेकिन यहां पर नीचे लिखकर आ रहा है डू नॉट क्लोज दिस विंडो, तो आपको बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है गाइस, तो इस चीज की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, तभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वरना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट आपको IPV का ऑप्शन मिलेगा, इन पर्सन वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको। यहां पर आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड अपने हाथ में होल्ड करना है, अपना पैन कार्ड अपने हाथ में होल्ड करना है और आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो यहां पे कोशिश ये करना है कि आपके अपने फ्रंट कैमरे से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यहां पर जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आप डाल सकते हैं। आपका अगर फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है तो आप अपने रियर कैमरे से अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करवा लीजिए, अपने पैन कार्ड को ऐसे रख करके यहां आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए और आपका आधार कार्ड यहां पर क्लियर दिखना चाहिए, जूम करके नजदीक करके वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप यहां पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर इन पर्सन वेरिफिकेशन जो है वो लाइव करने वाले हैं। तो यहां पर रिकॉर्ड ए वीडियो और सेलेक्ट वीडियो, दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए कैमरा ऑन करते ही यहां पर आपका ये शुरू हो जाएगा, देख लीजिए। सेम इसी तरह से आपने आधार वाले में भी करना है, आप यहां पर देख सकते हैं आधार वाले में भी सेम यहां पर आपको वीडियो अपलोड करना है अपना जो है फ्रंट एंड बैक दोनों का, तो आप यहां पर देख सकते हैं सेलेक्ट फाइल या फिर वीडियो, दोनों का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पैन का कर लीजिए, फिर आधार का कर लीजिएगा। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो 100% अपलोड हो चुकी है। वीडियो अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं, बनाने का तरीका क्या है, इसको अपने फेस के सामने नहीं रखना है, इसको आपने यहां रखना है और कोशिश करना है कि आपका फेस और आपकी आईडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आए। अगर आप आधार कार्ड का बना रहे हैं तो बैक के फ्रंट एंड बैक पहले फ्रंट करिएगा, फिर आपने बैक करिएगा, उसके बाद आधार कार्ड की एक वीडियो बनेगी जो ऊपर मैंने आपको दिखाया है। यहां पर देख लीजिए हमारे दोनों फाइलें जो हैं वो अपलोड हो गई हैं जो मैंने बनाई थी। यहां पर वैसे मैंने लाइव रिकॉर्ड किया, लेकिन आप या तो पहले से रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर यहां पे लाइव रिकॉर्ड कर लीजिए, मर्जी आपकी है, जैसे आप सुटेबल समझे वैसा कर लीजिएगा। ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका जो है इन पर्सन वेरिफिकेशन बोलते हैं IPV वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने ठीक ठाक आईडी जो है दिखाई है अपनी फोटो में जो डिटेल से मैच कर जाएगी। तो यहां पर नेक्स्ट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखकर आ गया है, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुल सबमिटेड और इट यूजली 2 to 3 hours to verify open account, मतलब कि 2 से 4 घंटे लगेंगे वेरीफाई करने के लिए जो भी डिटेल आपने फिल किया है, और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग जो यूजर नेम है और जो आपका पासवर्ड है वो आपको मेल किया जाएगा, मतलब कि इनकी तरफ से एक ईमेल आएगा, वहां पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और हमको यहां पर पैसे पे क्यों नहीं करने पड़े, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इस टाइम पे फ्री चल रहा है और इस टाइम पे अपस्टॉक की तरफ से ऑफर है कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। क्या जाता है गाइस यहां पर 300 रुपीज से आप 1 साल तो ट्राई कर ही सकते हो, उसके बाद बंद कर देना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं सारा प्रोसेस हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है, और जैसे ही मुझे यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो मैं आपको लॉग इन करके
बताऊंगा कि इंटरफेस कैसा होता है। तो गाइस अभी हम वेट करेंगे इनके ईमेल का। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैं एक दिन बाद शूट कर रहा हूं और अभी मेरा जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो मुझे अपस्टॉक की तरफ से रिसीव हो गया है मेरे ईमेल आईडी के अंदर। चलते हैं सबसे पहले ईमेल आईडी के अंदर, देखते हैं कि किस तरह का यहां पर आपको ईमेल्स जो हैं वो रिसीव होना शुरू होंगे जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेते हो। आईपी इन पर्सन वेरिफिकेशन वाला जो वीडियो आप बनाते हो ना, वहां पर आपने अपना पैन कार्ड कुछ इस तरह से पकड़ना है और सामने ऐसे करना है और आधार कार्ड को एक ही वीडियो में दोनों साइड से दिखाना है। पहले आप फ्रंट दिखाइए, फिर आप उसको घुमा करके बैक दिखाइए और ये वीडियो आपने रिकॉर्ड करके वहां पर अपलोड कर देनी है। आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाता है। यहां पर आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी शक्ल जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, जो आपकी डिटेल है वो ठीक ठाक पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे किसी स्मार्टफोन से या फिर कैमरे से या फिर अच्छी लाइटिंग कंडीशन में उस वीडियो को बनाइएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे पहला ईमेल मुझे रिसीव हुआ था अपस्टॉक की तरफ से, उसके अंदर मुझे मिला था पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, यहां पर आप जो है उनको ऑथराइजेशन दे देते हो कि आप जो है जब यहां से अपने एप्लीकेशन से कमांड दोगे ना बाई एंड सेल का, तो उनको आगे जो एक्सचेंज है उनको कमांड देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनका लिंकअप डायरेक्ट रहेगा। इसकी वजह से आपको जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भेजनी ही पड़ती है साइन करने के। लेकिन अगर नहीं भेजते तो नुकसान क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अपस्टॉक के अंदर एक चीज बहुत अच्छा दिया गया है कि यहां पर अगर आप नहीं भी भेजते हो तो आप ओटीपी के द्वारा अपने होल्डिंग वाले शेयर यानी कि जो आपने डिलीवरी पे रखा हुआ है वो वाले शेयर को सेल करने जाओगे तभी आपको दिक्कत आएगी, इंट्राडे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिलीवरी वाला सेल करने के लिए आपको ओटीपी रिसीव होगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे। तो अगर आप चाहते हो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी सेंड करनी है तो करिए, नहीं सेंड करनी तो मत करिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पावर ऑफ अटॉर्नी किस टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले देखिए नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यहां पर रेजिडेंस, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, उसके बाद पैन नंबर और उसके बाद यहां पर पूरी डिटेल अपना नाम भरिए। सेकंड होल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहां पर आपने फर्स्ट होल्डर में सिग्नेचर कर दीजिए, उसके बाद नीचे भी एक सिग्नेचर है और ये सारी डिटेल भर करके एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेंशन कर दी है, आप जाइए जाकर के चेक करिए और पूरे एड्रेस को नोट करके अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो एक लिफाफा बनाइए, इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके प्रिंट करिए, सिग्नेचर करके भेज दीजिए। उसके बाद जो हमें दूसरे ईमेल एड्रेस रिसीव हुए थे वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमें कुछ जो है नोटिफिकेशन आए थे जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो, उसके बारे में कि ये जो है जो फीस वगैरह होती है उसके बारे में, तो अभी तो फ्री चल रहा है। अगर आप इस टाइम पर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जाइए लिंक पर क्लिक करिए, फटाफट डीमेट अकाउंट ओपन करिए। अपस्टॉक के अंदर बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो क्या जाता है कि आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रायल कर लें। तो यहां पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि फ्री में ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए बेफिक्र होकर यहां पर ट्राई करिए, अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं तो आगे जाकर के बंद कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, यहां पर दूसरा ईमेल उसके रिगार्डिंग आया था। उसके बाद हमारे को जो हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड आया है वो RKSV वाले ईमेल के अंदर आया है, आप यहां पर देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन योर अपस्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट इज एक्टिवेटेड। ठीक है गाइस, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा यूजर आईडी एंड मेरा लॉगिन पासवर्ड मुझे मिल चुका है। ठीक है, अभी यहां पर क्या करना है ये देख लीजिए, यहां पर अपस्टॉक का जो एप्लीकेशन है, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोडिंग लिंक भी दी है, इसका भी डाउनलोडिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नहीं तो आपके ईमेल में तो आ ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ये आपको लेकर आएगा अपस्टॉक का जो यहां पर प्रो वर्जन वाला एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के अंदर से ही डाउनलोड करना है, थर्ड पार्टी सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन स्मार्टफोन में डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है, ओपन बट ओपन के ऊपर क्लिक करिए। ओपन करते ही यहां पर आपका जो यूजर आईडी है एंड जो पासवर्ड है उसको डालने की जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमने अपना क्या करना है, सबसे पहले यूजर आईडी देखना है, तो यूजर आईडी हमारे ईमेल में था। यूजर आईडी डालने के बाद आपको सिंपली नीचे पासवर्ड डालना है जो आपके ईमेल आईडी में आया है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन का आपको यहां पर बटन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। साइन इन करने के बाद ये अगर आपके स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो ये क्या करेगा, आपका फिंगरप्रिंट सेंसर से एक्सेस करेगा, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे वो बोल रहा है। तो आप अपना फिंगरप्रिंट अपने फोन स्मार्टफोन के ऊपर रखिए, ये देखिए वेरीफाई कर देगा। तो अभी क्या होगा, आपको नेक्स्ट टाइम से ये लॉगिन वाला प्रोसेस जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और यहां पर पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन आ चुका है, देख लीजिए, योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, नीड टू चेंज। तो यहां पर आपका जो पासवर्ड है जो अभी ईमेल आईडी में आया था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको चेंज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ओल्ड पासवर्ड जो हमने डाला था वो यहां पर दोबारा डालने के लिए बोल रहा है, न्यू पासवर्ड जो आपने चुनना है। अच्छा, पासवर्ड किस टाइप का बनाना चाहिए, जैसे मेरा नाम नवीन है तो नवीन का N बड़ा कर लीजिए, बीच में कोई स्पेशल करेक्टर जैसे हैश वगैरह या फिर और कुछ आप स्लैश लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, फिर उसके बाद कोई डिजिट ले लीजिए 928, जो भी आपके दिल में आ रहा है। इस टाइप का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग माना जाता है, जल्दी हैक नहीं हो सकता, क्रैक नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, उसके बाद नीचे आपने पासवर्ड बनाना है,
ऊपर ओल्ड पासवर्ड, नीचे दो बार न्यू पासवर्ड जो आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम लॉगिन के लिए, अगर फिंगरप्रिंट नहीं यूज करना चाहें तो भी पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है, दोनों तीनों चीजें भर करके नीचे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते यहां पर आपको ये सेव करने के लिए बोल रहा है आपके ईमेल आईडी के साथ में, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपका स्मार्टफोन है, आपकी ईमेल आईडी है, और गूगल को हैक कर पाना अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं है। तो सिंपली सेव कर सकते हैं, नेवर भी कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा पूरा इंटरफेस जो है वो खुलकर आ गया है। यहां से देख लीजिए सेंसेक्स निफ्टी सारी चीजें दिखना शुरू हो गई हैं। ये सारा चीजें जो है नेक्स्ट किसी वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत से ये फंड गुरुजी वीडियो बना के देता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट चल रहा है आप स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है ओपन करने के लिए, जाइए ट्राई करने में क्या जाता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।